अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका मौलिम पंजू जमा के बच्चों के लिए इल्मी रियाज़ी में पाँच इंसी अदद की जमा इस उन्वान पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप घर बैठे इस वीडियो को देखें और आखिर में मैं होमवर्क के तौर पर आपको कुछ हिसाब दूंगा, वो करके जो है आप जुनेद नगर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप हिसाब करके डालें, फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर पाँच इंसी अदाद में आप किताब अगर आपके पास है तो किताब में देखें, या नहीं तो फिर आप स्क्रीन पर भी किताब को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पाँच इंसी अदाद की जमा में यानी हासिल लिए बगैर इसकी जमा कराना है। पहले पाँच इंसी अदाद और चार इंसी अदाद की जमा का तरीक़ा एक ही है जो कि आप पिछले जमात में सीख चुके हैं। जमा करने का तरीक़ा मुकामी कीमत अकाई दहाई 100,000 और 10,000 का यादा कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर एक मिसाल है, किताब दर्सी किताब की मिसाल है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 45,237 और 31,210 का मजमा मनु करना है, जमा करना है। तो यहाँ पर इन आयदाद की जमा जो है तस्वीरों के ज़रिए जाहिर करेंगे। पहले अकाई दहाई 100,000 10,000 यहाँ पर जो है आम के ज़रिए आपको जमा करना है। मैं आपको यहाँ पर गिनकर बताऊंगा कि जमा किस तरह किया जाता है। सबसे पहले अकाई में कितने अदद है, जितने अदद है उतने वहाँ पर आम हैं, आप गिन लेंगे। मैं एक मरतबा गिन लूँगा, आप भी गिनते रहे देखते देखते। अकाई में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आम हैं, और उसके नीचे अदद यहाँ पर कुछ भी अदद नहीं, यहाँ पर आम नहीं है, इसका मतलब इसलिए यहाँ पर अदद भी नहीं है। तो सिफर सिफर यानी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 7 का 7 हो गया नीचे, और नीचे भी लिखा हुआ है 7। उसके बाद यहाँ पर दहाई में, दहाई यानी एक अदद का 10 गुना है। अब एक टोकरी के अंदर 10 आम है, यहाँ पर 10 20 30 तीन टोकरियाँ हैं, उसके नीचे एक टोकरी है, 1 2 3 4 कुल 4 टोकरियाँ हो गए। अब नीचे लिखेंगे जवाब में 4 टोकरियाँ, और अदद में यहाँ पर 4 लिखी गई है, आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद 100 के मुकाम में जो है एक अदद का 100 गुना हो गया, यहाँ पर 2 टोकरियाँ हैं 200, उसके नीचे 2 टोकरियाँ हैं, यहाँ पर भी 2 और 2 4 400 यानी 4 अदद यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद 1,000 1,000वें मुकाम में जो है एक अदद की कीमत 1,000 है, यहाँ पर ऊपर 1 2 3 4 5 उसके नीचे 1 यानी मिलाकर हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। उसके बाद 10,000 के मुकाम में आप देखेंगे कीमत एक टोकरी के अंदर 10,000 आम है, यानी 10,000 गुना। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल यहाँ पर दोनों मिलाकर 7 टोकरियाँ हैं, तो नीचे जवाब में भी लिखेंगे 7 टोकरियाँ, नीचे 7 लिखा हुआ है, यानी इसका मजमा कितना हुआ। इधर से देखेंगे अकाई दहाई 100 1,000 10,000 76,447 इसका मजमूआ हुआ। तो ये था तस्वीरों के ज़रिए। अब जो है मुकामी कीमत के जदोल में लिखे गए ऐदाद के मुकाम पर देखेंगे। यहाँ पर और एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, पेज नंबर 19 में भी देख सकते हैं आप दर्सी किताब में। पीछे का जो हिसाब था उससे मदद यहाँ पर है, यानी 45,237 31,210 इनका मजमा मालूम करना है। अकाई में 7, उसके नीचे सिफर सिफर यानी कुछ भी नहीं है, 7 का 7 जवाब हो गया। उसके बाद दहाइयाँ हैं यहाँ पर 3, उसके नीचे दहाई 1 है, 3 में 1 मिलाए 4 हुआ। फिर उसके बाद 100 में 2 है, 2 और 2 4, 1,000 में 5 और 1
छः हुआ, 10,000 के मुकाम में जो है 4 और 3 मिलाकर 7 हो गए। इसी तरह से आप जमा करने में पहले जो है आप पिछली जमातों में ये तरीक़ा आप सीख चुके हैं, और फिर एक मरतबा मैं आपको बताऊं, आप जहन में ही इसको जमा कर ले। बचपन में जो है आप लकीरें मारकर जमा करते थे, फिर उसके बाद उंगलियों के ज़रिए, अब आप क्या करें जहन में ही आप जमा करके जल्दी लिख दें। मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले। उसके बाद एक और मिसाल लेंगे यहाँ पर दरसी किताब में सफ़ा नंबर 20 पर, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 23,567 और 34,131 का मजमा मालूम कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मुकामी कीमत के जदौल में इकाई दहाई 100,000 10,000। यहाँ पर भी सीधा सीधा जो है हासिल लिए बगैर इसकी जमा है। 7 में 1 मिलाओ 8 हुआ, 6 में 3 मिलाओ 9 हुआ, 5 में 1 मिलाए 6, 3 में 4 मिलाने के बाद 7 हुआ, और 2 में 3 मिलाने के बाद 5 हुआ। कुल मजमुआ जो है 57,698, ये जो है इसका मजमुआ है। इसी तरह से जो है आगे जो है हम देखेंगे हासिल और तमाम बच्चों को समझ में आया होगा कि मजमुआ किस तरह मालूम किया जाता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप तमाम वीडियो को रोक कर इन्हें पॉज करके जो है अपनी कापियों में इनको होमवर्क को लिख लें और हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, हम उनको चेक करके बताएंगे आप सही किए हैं या गलत। और एक वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो देखने के बाद बच्चों को जब भी आपको ग्रुप में लिंक आएगी यानी वीडियो अपलोड होगा, तो आप बच्चों को जब भी आपको वक्त मिले आप जाकर अपनी मौजूदगी में बच्चों को वीडियो को दिखाएं, और वीडियो में जो बताया जा रहा है हिसाब करने के लिए या तो होमवर्क वगैरह बच्चों को करवाएं। शुक्रिया।